हेलो एवरीवन। सो अभी हम बात करने वाले हैं फर्मी एनर्जी एंड फर्मी लेवल के बारे में, कि हमारे मेटल के अंदर जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए क्या तो हमारी फर्मी एनर्जी डिसाइडेड होती है और क्या फर्मी लेवल होता है। अब क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, फर्मियंस, सो ऑब्वियसली वो फॉलो करेंगे फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एन है, वो किसी एनर्जी ई के लिए क्या इक्वेशन को होल्ड करते हैं। हमारी ये इक्वेशन एनर्जी के लिए आती है। अभी हम इसके कोई डेरिवेशन की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से देख सकते हैं। सो ये जो हमारी इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, कि अगर हम सिर्फ टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा कहाँ, ये फैक्टर है, ठीक है। तो अगर आप जैसे ही टेम्परेचर को कम करोगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, सो ये वाला फैक्टर कम हो जाएगा। ये कम हो गया तो इसका मतलब ये जो पूरी इक्वेशन है ये बड़ी हो जाएगी। अब ये इक्वेशन बड़ी होगी यानी कि ई का जो आपका पावर है वो आपकी बड़ी होगी। लेकिन ये वैल्यू बड़ी होने से क्या होगा, क्योंकि ये सारा का सारा आपका किस में, डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब ओवरऑल आपकी जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है ये बड़ा हो रहा है। तो मेन रिजल्ट इक्वेशन के ऊपर क्या आएगा, वो तो कम होगी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ये चीज़ भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हो तो एनर्जी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज़। तो इसका मतलब हम एनालाइज कर सकते हैं कि जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। लेकिन 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 क्या फ़र्क है, आप टेम्परेचर कम करते करते कितना कम कर सकते हो, लास्ट ये आप 0 केल्विन कर सकते हो मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है। तो 0 केल्विन के ऊपर आप, आपका टेम्परेचर तो कितना हो गया, 0 हो गया एक तरीके से, लेकिन एनर्जी आपकी 0 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी एनर्जी भी 0 होगी 0 केल्विन के ऊपर, ठीक है। तो मतलब मेन रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे आपकी एनर्जी कम हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि अगर आपने उस मैटर का, उस मेटल का 0 केल्विन टेम्परेचर कर दिया तो आपकी सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, ये मान लिया हमने। लेकिन अगर हम बात करें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, ठीक है, तो पॉली प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एक जो स्टेट है आपकी या एक एनर्जी लेवल, उसको क्या कर सकता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब कि हम कह सकते हैं पॉली एक्सक्लूजन से कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर सकता है एक एनर्जी लेवल को। तो इसका मतलब कि जो आपकी 0 एनर्जी की स्टेट है उसको भी कोई ना कोई, मतलब और ना सही, लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन तो ऐसा होगा जो इस एनर्जी को भी ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि हर एनर्जी लेवल के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो मस्ट है। तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, 0 एनर्जी लेवल को सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एन इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी पर्टिकुलर के टेम्परेचर पर हम बात करें, तो एन एनर्जी लेवल्स को वो क्या कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन किसको करेगा, एक एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक इलेक्ट्रॉन कैसे एक एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा। फिर बात आते हैं हमारे बैक टू द टॉपिक, फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। ये हमारा किसके लिए एप्लीकेबल है, 0 केल्विन के लिए। तो अगर हम बात करें 0 केल्विन की, तो हम मान लेते हैं कि एट 0 केल्विन कोई एक पर्टिकुलर, जैसे EF नाम ले दिया, कुछ भी आर्बिट्रेरी, EF एक ऐसा एनर्जी लेवल मान लिया जो कि हाईएस्ट फील्ड है। मतलब भाई इससे ज़्यादा एनर्जी लेवल तो है ही नहीं, हाईएस्ट फील्ड एनर्जी लेवल। तो ऑब्वियसली हर एक टेम्परेचर के ऊपर एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल होगा जो कि भाई हाईएस्ट फील्ड है, जिसे मान लेते हैं ये कोई लेवल है। अब 0 केल्विन के ऊपर यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फील्ड है, यहाँ पे भी, ये कोई भी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं। अब एक लेवल तो ऐसा होगा ना जो कि भाई सबसे हाईएस्ट होगा, उससे ऊपर वाले सारे एनर्जी लेवल्स क्या होंगे, आपके खाली होंगे, क्योंकि उतनी एनर्जी तो किसी के पास है नहीं। तो
तो ये जो आपका लेवल होगा हाईएस्ट फील्ड, ये आपका क्या है, ईएफ या फिर फर्मी एनर्जी लेवल। तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि सारे के सारे लेवल जो इससे नीचे हैं फर्मी लेवल से, वो सारे के सारे तो क्या होंगे, फुल्ली ऑक्यूपाइड होंगे, लेकिन जो इससे ऊपर के लेवल से ये क्या होंगे, एम्प्टी। हम डेफिनेशन वाइज क्या बोल सकते हैं, द एनर्जी वैल्यू अप टू विच ऑल द एनर्जी स्टेट्स आर कम्प्लीटली फिल्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स, जीरो केल्विन के ऊपर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर जो भी आपकी कम्प्लीटली फिल्ड एनर्जी स्टेट्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जिनको फुल्ली ऑक्यूपाई कर रहे हैं, एंड अबोव विच ऑल एनर्जी स्टेट्स आर कम्प्लीटली एम्प्टी, और वो एनर्जी लेवल जिसके ऊपर सभी की सभी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो क्या हैं, एम्प्टी। तो उस एनर्जी स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी, एंड जिसको डिनोट हम किससे करते हैं, ईएफसी। ओके, फिर अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन इंडेक्स की, ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या है, मतलब कि आपने ये तो बोल दिया कि भाई नीचे वाले लेवल्स तो फील्ड है, आपके ऊपर वाले फील्ड नहीं है, तो वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो कौन ऑक्यूपाई कर रहा है, कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इंडेक्स हमारा क्या होता है, ऑक्यूपेशन इंडेक्स, जिसको आप कैसे निकालते हो, ऑक्यूपेशन इंडेक्स एफ ओ फी किसी पर्टिकुलर फर्मी एनर्जी के लिए इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन जी ई, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको फिल्ड कर रहे हैं, एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ सेल्स, कितने आपकी एनर्जी स्टेट्स थी। तो अब यहाँ पे दो डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक तो आप बात करो ईएफ यानी कि फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी अगर आपके बात कर रहे हो कि भाई ज़्यादा एनर्जी होगी तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या होगा, या फिर अगर फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी आपकी होगी एटम की तो वहाँ पे क्या होगा। तो जब जब आपकी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है तो आपका जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है एफ ओ फी दैट इज़ एन ओ फी अपॉन जी ई, ये इक्वल किसके होगा, ज़ीरो के। क्यों? क्योंकि फर्मी एनर्जी से ऊपर जितनी भी एनर्जी लेवल्स है वो क्या है, एम्प्टी, तो उनको कोई ऑक्यूपाई ही नहीं कर रहा, तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैसे आएगा। और जबकि यहीं अगर हम बात करें फर्मी एनर्जी से कम की, तो आपका जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो कितना होगा, वन, क्योंकि वो एनर्जी लेवल्स क्या है, कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड। तो इन कंडीशन से हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा क्या था, जो फैक्टर हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में लिया था, उसकी वैल्यू क्या आ सकती है, माइनस ई एफ अपॉन के टी। अब ये हमने यही क्यों ली, क्योंकि ये जो रेशियो है अल्फा के लिए, ये हमारी दोनों इक्वेशंस को इजीली सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे आप फर्मी एनर्जी से लो एनर्जी की बात करूँ या अपर एनर्जी की बात करूँ। सो हमें पता है कि फाइनल एक्सप्रेशन क्या था फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन था, ठीक है। यहाँ पे फिर हमें सिर्फ क्या करना है, अल्फा की जगह क्या रिप्लेस करना है, माइनस ई एफ अपॉन के टी। तो आपका फुल इक्वेशन एज इट इज़ यही रहेगी, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा, ई एफ की जगह आपका क्या आ जाएगा, ई माइनस ई एफ है, यहाँ पे ई है, अपॉन के टी तो सेम है दोनों के, तो क्या लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके, ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस वन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट। अब अभी तो हमने ये बोला है कि ऐसा होता है, लेकिन क्या अल्फा हमारा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चलिए चेक करते हैं ऑक्यूपेशन इंडेक्स से। तो चेक करने के लिए ये जो ऊपर वाला सारा फैक्टर है, ये तो हमारा क्या है, जी ई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एन ई डी ई इज इक्वल्स टू जी ई अपॉन ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी प्लस वन, ठीक है। और ऑक्यूपेशन इंडेक्स के लिए हम क्या करते हैं, एन ई अपॉन जी ई, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एफ ऑफ ई को हम क्या लिख सकते हैं, एन ई अपॉन जी ई है, और फर्मी डिराक के लॉ से ये किसके इक्वल आ गया, वन अपॉन ई माइनस ई एफ बाई के टी इंटू ई ई बाई के टी प्लस वन, या फिर आप e माइनस ई एफ बाई के टी लिख सकते हो, सेम बात है। अब यहाँ से हमारी बात दोनों केस में टेम्परेचर किसकी हो रही है, टेम्परेचर है आपका ज़ीरो केल्विन, सो ये t की वैल्यू तो कितनी आ गई, ज़ीरो, तो इसका मतलब डेनोमिनेटर में ज़ीरो है, तो ऊपर फैक्टर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब एनर्जी लेवल के लिए क्या है, माइनस साइन,
तो ये क्या आ जाएगा, 1/e रेज टू पावर, बात किसकी हो रही है, ज़ीरो टेम्परेचर की। तो ज़ीरो टेम्परेचर अगर आपका है तो ऊपर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस वन, और जबकि नीचे अगर आपका इन्फिनिटी पावर है तो ये रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के। वहीं हमने पहले कंक्लूड किया था कि अगर आपकी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है तो आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या आएगा, ज़ीरो। सिमिलरली अगर हम निकाल लें किसके केस में, जब आपका फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी हो तो आपका रेशियो तो यही रहने वाला है, आपका एफ ओ वी क्या होगा, 1/e रेज टू पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी लिखो, या फिर दोनों को अलग अलग लिखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा था, सेम बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब जब आपकी एनर्जी क्या है, कम है फर्मी एनर्जी से, नीचे आपका टेम्परेचर कितना है, ज़ीरो, ऊपर आपका ये वाला फैक्टर क्या है, कम है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी की जगह ये क्या आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन। जब हम ई माइनस ई एफ करेंगे तो आपका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है फर्मी एनर्जी से, तो ऑब्वियसली उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो प्लस इन्फिनिटी आएगा। जबकि जब आपकी फर्मी एनर्जी से कम एनर्जी है तो क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 1/1/ इन्फिनिटी, डिवाइड में लिख सकते हैं, माइनस साइन है प्लस वन। अब किसी के अपॉन में इन्फिनिटी है तो ये नियरली क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो 1/1 ये तो ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, वन। तो टोटली फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑक्यूपेशन इंडेक्स 1, जो कि हमने लास्ट भी डिराइव किया। सो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, जब हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकालते हैं तो जब आपकी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है तो उसका ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या आएगा, ज़ीरो। जबकि जब आपकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से कम है तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स हमारा क्या आता है, 1। क्योंकि जितना भी लेवल है फर्मी एनर्जी से नीचे, जितनी भी एनर्जी स्टेट्स है, वो सारे के सारे क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में कि क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं हम, तो हम कर सकते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो यानी कि ज़ीरो केल्विन के ऊपर ये रिप्रेजेंट करता है हाईएस्ट एनर्जी लेवल। ज़ीरो केल्विन के ऊपर क्या रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जिसके अंदर सारी की सारी क्वांटम स्टेट्स क्या हैं, ऑक्यूपाइड है, फुल्ली फिल्ड है, कोई भी एम्प्टी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें ग्राफ की, सो ये हमारा डिनोट कर रहा है जब आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स जैसे जैसे आपकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, ये मान लेते हैं 0.5 एंड ये मान लेते हैं 1, जब आपकी फुल्ली फिल्ड की स्टेट को शो करेगा। और यहाँ पे हमारा एनर्जी का ग्राफ है एंड ई एफ नोट ही हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सिंपल हमारा फर्मी एनर्जी को। सो ग्राफ हमें शो करता है कि आपका जो ऑक्यूपेशन इंडेक्स है वो कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली क्या रहता है, 1 रहता है। कब, जब आप बात करो ज़ीरो केल्विन के बारे में, ठीक है, अगर आपका टेम्परेचर 0 केल्विन है तो आपका ऑक्यूपेशन इंडेक्स 1 रहेगा। कब तक, फर्मी एनर्जी तक, फर्मी एनर्जी के बाद वो 1 नहीं रहेगा। वहीं अगर हम बात करें ग्रेटर देन 0 केल्विन के बारे में तो आपका जो ग्राफ है वो इस तरीके से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये आर्बिट्रेरी डिक्रीज आता है आपका। कब, जब आप बात करते हो टेम्परेचर 0 केल्विन से अबो। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर के साथ साथ आपकी जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो ऑक्यूपेशन इंडेक्स कम हो रहा है। तो ग्राफ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि 0 केल्विन के ऊपर आपका फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, 1 के इक्वल है, ठीक है, हर एक एनर्जी के लिए अप टू ई एफ फर्मी एनर्जी तक। एंड फर्मी एनर्जी के ऊपर ही क्या करता है, फॉल करता है 0 पे, क्योंकि ऊपर जो एनर्जी है उनके लिए कोई ऑक्यूपेशन नहीं है। और अगर हम बात करें कि किस तरीके का फंक्शन है, तो ये हमारा स्टेप फंक्शन है, क्योंकि ये ऐसे स्टेप की फॉर्म में है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।